नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक लर्नर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेबी का जो नया रूल ऑप्शन ट्रेडर के लिए आने वाला है, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज जो मैं बताने वाला हूं ये है किस बारे में। तो ये है ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो सेबी का नया रूल आने वाला है, वो भी 2 मई 2022 से, मतलब एक महीने ही बाकी है आपके नए रूल को लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इंडेक्स का ऑप्शन हो या स्टॉक का ऑप्शन हो, तो उसके लिए आपको अभी तक तो जो चल रहा था बहुत सही चल रहा था, लेकिन अब आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे। जो ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर रहने वाला है। और अभी तक आपने देखा होगा कि फ्रिक ट्रेड हो रहे हैं। फ्रिक ट्रेड में जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक का ऑप्शन है, या सबसे ज्यादा होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, बैंक निफ्टी का ऑप्शन अगर 220 या 230 रुपए चल रहा है और मार्केट में सडन हाइक मूवमेंट आ जाता है, तो 220 से वो चला जाता है 240 सीधा एक ही कैंडल में, उसके बाद 300, 350, 400 तक पहुंच जाता है। जो ऑप्शन सेलर होता है उसे एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता। तो इनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो 20% का सर्किट है वो 20% का सर्किट लग जाएगा, मतलब अगर 220 रुपए या 200 रुपए का ऑप्शन है तो सिर्फ 20% ही वहां पे मूव होगा, पहले उसका फ्रीज हो जाएगा जैसे कि पहले होता था। फ्रीज होने के बाद वापस से, मतलब सर्किट लगेगा, सर्किट लगने के बाद वापस ओपन होगा, फिर से ट्रेडिंग चालू होगी। तो यहाँ पे जैसे कि 220 से 300-400 पहुंचते थे, मतलब 150-200% का हाइक होता था, वो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जिट करने का इजिली मौका मिलेगा, खासकर जो ऑप्शन सेलर हैं। और जो ऑप्शन बायर हैं उनके लिए क्या होने वाला है कि मार्केट ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगेगा। तो लिमिट ऑर्डर लगने से, जैसा अगर ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन में आपने देखा होगा कि आप बाय में मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, अगर वो 200 रुपए का है तो बाय होता है ऊपर साइड, मतलब 205 या 210 में, वहां पे फ्लक्चुएशन की वजह से। उसी तरह जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं, सपोज जो 200 से 250 चला गया, 250 में मार्केट ऑर्डर वहां पे लगाते हैं, तो 250 में नहीं होता, बल्कि वो 245, 242, 240 रुपए में एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे बाय साइड भी 8-10 रुपए का नुकसान, सेल साइड भी 8-10 रुपए का नुकसान। तो यहाँ पे ये बंद कर दिया जाएगा। तो जब भी आप मार्केट में ट्रेड करेंगे, वो स्टॉक ऑप्शन है तो आपने देखा होगा कि स्टॉक में 5% की सर्किट लग जाती है, 10% का सर्किट लग जाता है, और ऑप्शन में यू क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग चलते रहता है और वो मूव होते जाता है। तो यहाँ पे उसमें भी सीधा सीधा सर्किट लग जाएगा, जहां पे अगर आप ऑप्शन सेल किए तो एग्जिट कर पाएंगे। ऑप्शन बायर हैं तो सबके लिए सेम नियम है, मतलब मार्केट ऑर्डर नहीं लगने वाला, तो सभी लोग आप लिमिट ऑर्डर में बाय करेंगे और इजिली एग्जीक्यूट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीजें अभी बदलने वाली हैं, वो भी 2 मई 2022 से। तो अभी तक जो चल रहा था वो तो चल रहा था, लेकिन अभी नया नियम आ जाएगा तो आपको उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये दोनों ही चीजें बता दी कि 2 मई से, आपको वापस रिपीट कर देता हूं, 2 मई से मार्केट ऑर्डर नहीं लगेगा, लिमिट ऑर्डर ही लगेगा, और स्टॉक या इंडेक्स इसमें 20% की सर्किट फिक्स कर दी गई है। और तीसरा है टिक प्राइस। टिक प्राइस में जैसे 0.05 पैसा का चलता था, मतलब 5 पैसे का टिक होता था, अब वो उस टाइम पे सर्किट लगने के बाद 10 पैसे का टिक कर दिया जाएगा। तो ये सभी चेंजेस आने वाले हैं सेबी के नए रूल में। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।